आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सुपौली गांव के समीप ईंट भट्टा के पास की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह सुपौली गांव के लोग ईंट भट्टे पर काम करने के लिए गए तो देखा कि युवती का एक शव पड़ा हुआ है। युवती के हाथ पैर बंधे हुए हैं और चेहरे को तेजाब जैसे ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया है। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक युवती को किसी दूसरे जगह से हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। सदर SDPO प्रांजल कुमार ने कहा कि मृतका की पहचान के लिए आसपास के लोगों से संपर्क कर युवती की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देखिए, बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। सुबह हम भी क्षेत्र से आके अपने आवास पर बैठे हुए थे, अचानक जो है हमें खबर मिला कुछ स्थानीय लोगों से, जो कि है एक महिला का जो है शव फेंक दिया गया। मौके पे हम भी जो है पहुंचे और सिधवलिया थाना के थाना प्रभारी राम कुमार जी भी जो है पहुंचे हुए थे और सारी जो है प्रक्रियाएं की गई है, लेकिन अभी तक जो है महिला का पता नहीं चल पा रहा है कि महिला का जो है शव कहाँ का है। सब लोग जो है शव को पहचानने से जो है अज्ञात जो है कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला को जो है आग के जो है हवाले करके झुलसा दिया गया, जिससे चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। हमने भी सारी चीजों को देखा और सारी प्रक्रियाएं हुई है। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हमारे पास इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास आई कि एक अज्ञात लाश पड़ी हुई है NH के किनारे, जो कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पे तुरंत ही पुलिस गई और देखा कि लाश का जो चेहरा है, जो बॉडी है, जो उसका चेहरा आधा जला हुआ है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लाश को आइडेंटिफाई करवा पाएं, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। हम लोगों ने टीम भी बनाकर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी भेजा है और आसपास के एरिया में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं फोटो लेके आइडेंटिफाई हो जाए जल्द से जल्द। बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में घायल युवक का इलाज के क्रम में मौत हो गई। शनिवार को युवक का शव घर पहुंचते ही घर पर कोहराम मचा, वहीं सज्जनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जाता है कि माजागढ़ थाना क्षेत्र के पथरा गांव के धर्मेंद्र राम का पुत्र प्रकाश राम 22 वर्षीय चेन्नई में एक निजी कंपनी में मजदूरी का काम करता था। उसके चचेरे भाई दीपक राम की शादी 11 जून को तथा तिलक 6 जून को थी। भाई की शादी में शामिल होने के लिए प्रकाश राम 1 जून को चेन्नई से घर के लिए निकला था। इसी बीच 2 जून की शाम उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हो गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए बालासोर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक का एक पैर काट कर ऑपरेशन किया था तथा दूसरा ऑपरेशन होना था। इसी बीच इलाज के क्रम में गुरुवार की सुबह युवक की मौत हो गई। शनिवार को युवक का शव घर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। सज्जनों की चित्कार से पूरा इलाका गमगीन हो गया। इधर शव आने की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया हृदयानंद सिंह, भाजपा नेता राकेश सिंह, ओम प्रकाश सिंह घर पहुंचकर सज्जनों को संतावना दी। प्रकाश राम तीनों भाइयों में सबसे छोटा भाई था। सबसे बड़ा भाई गोलू कुमार गुजरात में गाड़ी चलाता है तथा एक भाई विकलांग है। घर की सारी जिम्मेदारी मृतक प्रकाश राम के कंधे पर था। प्रकाश राम के मौत से मां परमिला देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बार बार वो बेहोश होती जा रही थी। मीरगंज थाना की पुलिस ने कुछ दिनों पहले हुई एक चोरी की घटना का उद्भेदन किया है और इस कांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल पुलिस के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 11 जून को मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिनिया नैन गाँव में अज्ञात चोरों के द्वारा एक मकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पीड़ित परिवार के बयान पर पुलिस अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और 2 दिनों के अंदर इस कांड में शामिल 3 अपराध कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग मीरगंज थाना क्षेत्र के ही नरेनिया गांव के रहने वाले अभिषेक कुमार, बबलू कुमार केसरी और सागर सोनी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के द्वारा चोरी किया हुआ सामान,
जिसमें सोने का गलाया हुआ दो कुंडी तथा 70,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल तथा कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज प्रभारी जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन द्वारा वर्तमान में गोपालगंज जिला अंतर्गत लगातार भीषण गर्मी और लू के कारण सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की आवागमन में परेशानी एवं स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला में संचालित सभी सरकारी अनुदानित एवं निजी विद्यालयों की कोचिंग शैक्षिक संस्थानों को दिनांक 19 जून 2023 से 25 जून 2023 तक स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश शिक्षक एवं शिक्षोत्तर कर्मियों पर लागू नहीं होगा, अर्थात वह ससमय उपस्थित होकर विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते रहेंगे। साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दिनांक 19 जून 2023 से 25 जून 2023 तक बच्चों की शैक्षिक गतिविधियां स्थगित रखी जाएंगी। उक्त अवधि में सेविका सहायिका उपस्थित रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों की अन्य सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न करेंगी। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस डीएवी हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 सेशन। JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। फुलवरिया थाना की पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब के नशे में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद के नेतृत्व में इनकी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप कराया गया और जब शराब पीने की पुष्टि हो गई तो इन सभी आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से जुर्माने की राशि वसूल करने के बाद इन्हें हिदायत देकर छोड़ी गई। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भाट्टा पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव के रहने वाले विशाल लाम तथा रवि कुमार एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इसी दौरान उल्टी दिशा से आ रहे एक टैंकर अनियंत्रित होकर इन दोनों मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया, जिसमें विशाल राम की मौके पर ही मौत हो गई और रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद टैंकर भी सड़क के किनारे पलट गई और इसका रिप्लाई वही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने टैंकर को जब्त करने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच पड़ताल कर रही है। थावे स्थानीय थाने के शनिवार को CO की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें भूमि संबंधित सहित कुल 7 मामले आए थे,
जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की कागजात की जांच पड़ताल की। सीओ रजत कुमार बर्नवाल द्वारा बताया गया कि भूमि संबंधित चार मामलों को ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया, जिसमें विदेशी टोला गांव के अरुण गुप्ता और जितेंद्र जायसवाल तथा रामचंद्रपुर गांव के नन्हे सिंह और मोहम्मद इब्राहिम सहित चार भूमि विवादों के मामलों का निपटारा किया गया। अन्य लोगों को अगले जनता दरबार में कागजात लाने के दोनों पक्षों को निर्देश मिला। मौके पर SI निशा भारती, CI निर्मल राम, कर्मचारी सफीक आलम सहित जनता दरबार में पहुंचे फरियादी शामिल रहे। मीरगंज थाना की पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनमें से 3 शराब तस्करी में पकड़े गए तो वहीं 3 लोग शराब के नशे में पकड़े गए तथा 3 लोग चोरी के कांड में पकड़े गए थे। इस तरह कुल सभी 9 लोगों को पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके अलावा मीरगंज पुलिस ने 9 आरोपियों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की और इन लोगों को जल्द से जल्द सरेंडर करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा इनके संपत्ति को भी नीलाम कर दिया जाएगा और 5 आरोपियों के घर कुर्की जब्ती के लिए इश्तेहार का विधिवत तामिला भी कराया गया। ये आरोपी गंभीर मामलों में फरार चल रहे हैं और लगातार पुलिस के निर्देश के बाद भी ये लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुलिस अब इन पर सख्त एक्शन लेने में जुट गई है। युवा जनता दल यूनाइटेड गोपालगंज में संगठन विस्तार हेतु कार्यकर्ता संवाद की बैठक NR मैरिज हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शाही ने किया। बैठक में प्रदेश युवा अध्यक्ष नीतीश पटेल का सिवान से आने के क्रम में मीरगंज में भव्य युवा साथियों द्वारा स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता ब्रजकिशोर ने किया। प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि संगठन विस्तार के लिए पूरे बिहार में जिला भ्रमण का कार्यक्रम है, जिसमें गोपालगंज में मेरा आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि माननीय नेता नीतीश कुमार की अगुवाई में अपने साथियों को संगठन से जोड़ने आया हूँ। आज देश खतरे में है, युवाओं का भविष्य आज खतरे में है, देश हिंदू मुस्लिम में जल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं। आज भारत में एक ही आवाज़ आ रही है कि 2024 में लोकसभा में माननीय नेता के नेतृत्व में एक मजबूत संगठन बना के 2024 में लाल किले पर झंडा फहराने का काम करेंगे। विपक्षी लोगों पर हमला करते हुए कहा कि आज जो लोग मेरी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको अति महत्वाकांक्षा कहीं नहीं छुपी हुई है। जीताराम मांझी पर कहा कि भाजपा उनको कब राज्यपाल बना रही है, अब यही देखना है। पार्टी में कल ही दशरथ मांझी जी के परिवार की पार्टी ज्वाइन किए हैं। आज माननीय नेता के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाना है, तभी देश बचेगा। इस सभा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने पप्पू सिंह को बधाई दिया। इस बैठक में जिला महासचिव राजू कुशवाहा, अरविंद पटेल, पप्पू सिंह, योगेश पटेल, संतोष पंडित, सुमंत कुमार, ललन राय, ललन मांझी, अभय पांडे, अधिवक्ता अरुण कुमार कुशवाहा, विपिन कुमार, हिमांशु पांडे, रंजीत पटेल सहित सैकड़ों युवा जदयू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अंत में खबर बेतिया के मझवलिया से, जहां आग लगी की घटना से एक दर्जन से अधिक परिवार वालों का छीन गया है आशियाना। घटना बखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 पोखरा टोला का है, जहां हमारे संवाददाता सलमान खान ने बताया कि मझवलिया प्रखंड स्थित बखरिया पंचायत वार्ड नंबर 10 में अचानक अग्निदेव का कहर टूट पड़ा, जिसमें एक दर्जन से अधिक परिवार वालों को आशियाना आग की भेंट में चढ़ गए एवं सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं ग्रामीणों और दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि इस भीषण आग की चपेट में आने से 4 बकरियां, आधा दर्जन साइकिल, 2 मोटरसाइकिल सहित नगद रुपया, गहना, गुड़िया, बिछावन, पलंग, चौकी, अनाज, खेतों की कागजात सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो गई। वहीं इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरज कांत ने बताया कि राजस्व कर्मचारी को भेजकर क्षति का आकलन कराते हुए अग्नि पीड़ितों परिवार को सरकारी सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।